जो है मोदी मीडिया की मानसिकता जो है ना कि आप इसको हरियाणा में बांट देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये देश के पहलवान है, देश के पहलवान जी जो हरियाणा में रहते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये पहलवान जो धरने पर है, हमारा नेशनल होने दिया जाए और ये कोर्ट में, और ये जो पहलवान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, जो मेडल लेकर के आए कि इनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा, यही नैरेटिव चलाने की कोशिश है, यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, लोगों को बांट कर। मैं अभी बताऊं, किसानों के अगेंस्ट में आपने दूसरे किसान खड़े करे थे, याद है आपको? नहीं याद है, वो भी अपने आप को किसान कर रहे थे। किस तरीके से किसान आंदोलन को क्रैक डाउन करने की कोशिश करी गई, आप बताइए। किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, कनाडा से लेकर पैसा खाने वाला कहा गया, ये किसानों के बारे में मानसिकता थी आपकी? देश को बलगलाइए मत, आप जो बात कहे वो हक की और सच की सवाल करिए। देखिए सुनिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले भी रेस्टी जो है फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुके, अभी इससे पहले तो नहीं रहे वो, और उनके बावजूद भी वो हटेंगे, उनके बावजूद आएगा तो कैरेक्टर वो जा रहा है कि फिर देखिए, आप देखिए क्या करेंगे। मैं इनकी पूरी चीजें अभी आपको बताता हूँ। ये किसान नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये देश के सम्मान और गौरव की लड़ाई है, ये राजपूतों की लड़ाई नहीं है। आप इसको जातिगत आंदोलन के अंदर खराब करने की कोशिश मत करिए, ये देश के सम्मान की बात है, ये तिरंगे के सम्मान की बात है, जो पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने अपना नाम रोशन करा है, देश को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया है, ले जाकर देश का गौरव बढ़ाई, उसके सम्मान की बात है। आप इसको हरियाणा वर्सेस यूपी मत बनाइए, ना इसको जात के अंदर बांटिए, देश का सारे सम्मान, देश के सारे लोग, सारी बिरादरी के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जाट हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग इन बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। शाहीन बाग वाले एक्टिव हो गए सारे के सारे, तो शाहीन बाग वाले नहीं, देश के लोग एक्टिव हैं, उनकी अभी अकल नहीं खुल रही है, और 2024 में इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, कर्नाटक में ठिकाने आने वाली है, महाराष्ट्र में ठिकाने आने वाली, जैसे भी हो बस इनको सत्ता चाहिए, चाहे कैसा भी हो। देखिए मध्य प्रदेश की अभी बात करें, मध्य प्रदेश में इनको मैंडेट नहीं मिला, इन्होंने सरकार जो है अपनी बना ली गिरा करके, कर्नाटक के अंदर भी नहीं मिला। देश में कितने प्रधानमंत्री आए चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी ताउमर के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन करके आए, ये देश की जनता ने उनको बनाया है, और ये देश की जनता ने बड़े बड़े तक्षनशी को उठा करके फेंक दिया है। यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले, ये दो गुजरात के लोग आए हैं देश को चूना लगाने के लिए, देश की जनता को बहुत सचेत होने की जरूरत है। जहां जाएंगे गोलमोल बातें करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे, कभी जीएसटी के नाम पे काटेंगे, कभी नोटबंदी के नाम पे काटेंगे। देखिए देश के ऊपर सबसे पहला आपको बता दूं, इन्होंने हमला करा देश के रिजर्व बैंक के ऊपर, जब इन्होंने नोटबंदी करी तो लोगों क्या कहा कि मैं मुझे 50 दिन दीजिए मित्रों, 50 दिन दीजिए, और क्या निकला आपके आपके आगे? नहीं ब्रजभूषण सर सुनिए, ये सुनिए आपको बताऊं, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले ऐसे नहीं है नेता, आज भी आप अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सही से कार्रवाई कर देंगे तो 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर कार्रवाई करना है तो करिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है इस बात में, जाकर के देखिए कितने लोगों पर आपराधिक मुकदमे सदन के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं सदन। देखिए झूठ है, छलावा है, उन माफियाओं की गाड़ी पलटेगी जिनसे इनको पॉलिटिकल नैरेटिव में फायदा पहुंचेगा। सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव के अंदर सत्ता का, चाहे जितने लोगों की जान चली जाए, कितने लोगों को जो है ये कत्ल कर दें, मार दें, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और कुर्सी प्यारी है, कोई मतलब नहीं। देश का सम्मान बैठा हुआ इनके कान पे जूरेगी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पॉलिटिकल फायदा नहीं है। सुनिए राजनीति जो है वो इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। आप नहीं राजनीति करके आए हैं, आपने कौन कौन से आंदोलन करे? आप भी तो आंदोलन करके राजनीति आए, बीजेपी है, पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है? और इंसानों का हक होता है राजनीति करना, बताइए। सुनिए एक बात सुनिए, आपको बताऊं, ये बड़े चालाक और चतुर लोग हैं। आपको पता होगा मीटू मूवमेंट हुआ था और उसमें भाजपा के एक सांसद फंसे थे, खाली उनका नाम आ गया, मंत्री थे, और क्या नाम है वो भी बड़े आते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज तक उनके पास माइक लगा के किसी ने सवाल करे नहीं करे, 20-20 साल 30-30 साल पुराने लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करी सरकार ने। आज जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई, और उसके पास आप देखिए ना, ये
ये लोग आपसे जी कुछ पहलवानों का, हरियाणा के पहलवानों का वीडियो इसको ना ना हरियाणा के पहलवान मत कहिए, देश के पहलवान कहिए, अपने अल्फाज वापस लिया। मैं हरियाणा में आप जो कहना, देश के पहलवान है, हरियाणा के नहीं है, देश के पहलवान है, देश के पहलवान है। ये यही जो है मोदी मीडिया की मान।